हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 6 हेल्दी फूड के बारे में पढ़ेंगे. व्हेन एवर वी फील हंग्री द फर्स्ट थिंग वी थिंक अबाउट द फूड. जब हम भूखे होते सबसे पहले हम खाने के बारे में सोचते हैं. वी ईट फूड टू लिव एंड ग्रो. हम खाना क्यों खाते हैं? रहने जीवित रहने के लिए और बढ़ाव के लिए. इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड प्ले. हमें खेलने के लिए और काम करने के लिए शक्ति देता है खाना. फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप अस हेल्दी. खाना हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है और हेल्दी रखता है. वी मस्ट ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टू बी हेल्दी. हेल्दी रहने के लिए हमें अलग अलग तरीके का खाना खाना चाहिए. वी यूज लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फूड. अब हम डिफरेंट तरीके के फूड के ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे. डिफरेंट फूड ग्रुप्स. अवर फूड कम्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमारा जो खाना है वो हम पौधों में से भी ले सकते हैं और एनिमल्स में से भी मिल सकता है. फूड आइटम्स बिलोंग टू 3 मेजर ग्रुप्स. फूड आइटम जो हैं आपकी वो 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड की गई हैं. टू बी हेल्दी वन मस्ट ईट द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ईच ग्रुप गिवन बिलो. दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. एनर्जी गिविंग फूड. सम फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. कुछ खाना ऐसा होता है जो हमें एनर्जी देता है खेलने के लिए और काम करने के लिए. वो है एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं? राइस, वीट, सुगर, पोटैटो, घी, ऑयल एंड बटर आर एनर्जी गिविंग फूड. जो चावल है, गेहूँ है, चीनी है, आलू है, घी, तेल और बटर, ये सब क्या है? एनर्जी गिविंग फूड. उसके बाद है आपके बॉडी बिल्डिंग फूड्स. सम फूड्स हेल्प्स अस टू ग्रो. कुछ खाना जो होता है जो हमें बढ़ाव के लिए ज़रूरी है, मदद करता है, वो है मिल्क, एग, चिकन, फिश, पल्सेस एंड नट्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, दालें और जो नट्स हैं वो हमें बॉडी बिल्डिंग फूड है जो हमारे मसल्स और बोन्स के लिए ज़रूरी है. प्रोटेक्टिव फूड. सम फूड हेल्प्स टू कीप डिसीज अवे. कुछ खुराक ऐसा है जो हमें डिसीज से दूर रखता है, वो है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड. जो ताज़ा सब्जियाँ और फल हैं वो हमारा प्रोटेक्टिव फूड है. ड्रिंकिंग वाटर. रिमेंबर टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर डेली. हमें ज़रूरतमंद पानी रेगुलरली पीना चाहिए. वाटर क्लीन्स अवर बॉडी फ्रॉम इनसाइड. पानी जो है वो हमारी अंदर शरीर के अंदर से सफाई करता है. मील इन अ डे. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे. हमें अलग अलग तरीके का खाना अलग अलग समय पे खाना चाहिए. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड विच इज ईटन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड अ मील. वी शुड ईट 3 मील्स इन अ डे. हम पूरे दिन में 3 तरीके का मील खाते हैं, ठीक है? ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, लंच इन द आफ्टरनून एंड डिनर एट नाइट. सुबह में जो हम नाश्ता करते हैं, दोपहर में हम लंच करते हैं और रात के टाइम हम डिनर करते हैं. एवरी डे वी शुड ईट दीज 3 मील्स एट द राइट टाइम. हमें रोज़ाना ये तीनों मील्स तीनों राइट टाइम पर खाने चाहिए. हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. टू बी हेल्दी We must eat healthy food and follow healthy eating habits. हेल्दी रहने के लिए हमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी होनी ज़रूरी है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर वी ईट देम. जो हमारे फल और सब्जी हैं वो पहले बहुत साफ सफाई से धुले हुए होने चाहिए. वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. हमें हमारे हाथ भी खाने से पहले और खाने के बाद धोने चाहिए. वी मस्ट सिट एंड ईट. हमें खाना हमेशा बैठ के ही खाना चाहिए. वी शुड नॉट ईट वाइल स्टैंडिंग और वॉकिंग. हमें घूमते वक्त और खड़े होते वक्त खाना नहीं खाना चाहिए. वी मस्ट ईट एट रेगुलर इंटरवल्स. कुछ समय के अंतर पे हमें रेगुलरली खाना खाना चाहिए. वी मस्ट ईट स्लोली एंड च्यू द फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग. जब हम खाना खाते तो खाने को धीरे धीरे और अच्छे से चबा के खाना चाहिए. फूड दैट वी आर गोइंग टू ईट मस्ट बी कैप्ट कवर्ड. जो हम खाना खाने जाते खाते हैं वो हमेशा कवर्ड किया हुआ होना चाहिए.
It is not good to eat food being sold in the open on roadside. जो खुला हुआ खाना मिलता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो नहीं खाना चाहिए. We must never waste food. हमें कभी भी खाना बिगाड़ना नहीं चाहिए. If there is extra food, give it to the needy. अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा खाना है तो हमें जो ज़रूरतमंद इंसान को देना चाहिए. वेस्ट और स्लेट फूड मस्ट बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड इन द डस्टबिन. जो खराब गंदा बिगड़ा हुआ खाना है वो हमें डस्टबिन के अंदर ही डालना चाहिए. टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, हमें हमारे दांत की भी केयर करनी चाहिए. वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ, हमें हमारे दांत की केयर करनी चाहिए. आवर टीथ हेल्प अस च्यू फूड एंड ऑल्सो गिव अ नाइस शेप टू अवर फेस. दांत जो है हमें खुराक चबाने के लिए और हमारे मदद करते हैं और हमारे चेहरे को भी अच्छा शेप देते हैं. वी मस्ट ब्रश प्रॉपरली ट्वाइस अ डे आफ्टर वेकिंग अप एंड बिफोर गोइंग टू बेड. हमें प्रॉपरली रोज दो टाइम ब्रश करना चाहिए, एक सुबह में जब सो के उठते हैं तब और एक रात को सोने जाते हैं तब. ब्रशिंग हेल्प्स रिमूव फूड पार्टिकल्स दैट मे बी स्टक बिटवीन अवर टीथ. ब्रश करने से क्या होता है, जो दांत के अंदर हमारे खाने के जो पीसेस रह जाते हैं, जो खाना खाया होता है उसके पीसेस दांत के अंदर जो फंस जाते हैं वो साफ करने में मदद होती है. वी मस्ट नॉट ईट टू मैनी चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, हमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट और स्वीट्स नहीं खाने चाहिए. वी शुड ऑल्सो नॉट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, हमें बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीने चाहिए. वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली टू कीप अवर टीथ हेल्दी, हमारे दांतों की सेहत के लिए हमें रेगुलरली डेंटिस्ट के पास भी जाना चाहिए चेकअप.